जोहार साथियों, जैसा कि झारखंड के सबसे प्रतिभावान परीक्षाओं में यानी कि जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग के परिचय हम ग्राउंड संजोन कॉलेज वहीं पे हम पेपर का रिव्यू लेने आएंगे। तो अभ्यर्थी जितने भी हैं उनसे कुछ ना कुछ वार्तालाप होगी, बातें होगी। तो ठीक है, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम आपको देंगे हम क्या हमें खुशी मिंज। पता नहीं आज बात होगी पहले बाद में होगी नहीं होगी। कैसा रहा आपको 7 साल बाद परीक्षा हो रही, क्या आशा है आपको? पेपर अच्छे थे। पेपर अच्छे, कौन सा पेपर था अभी? पेपर 1 था अभी, जीएस। जीएस ऑल ओवर ना, जो सिलेबस जो रखा गया, जो मापदंड उसी से आया था? हाँ, या बाहर था जी। फिर भी एक आध दो क्वेश्चन अगर चर्चा करना चाहते हैं तो, जैसे झारखंड से आया था कि खैरवार आंदोलन, खैरवार तो रीजनल नहीं था, रीजनल तो बाद में नहीं, तो उसमें 10 क्वेश्चन रहता है रीजनल से भी। और कुछ जैसे बड़े आंदोलनों में? बड़े आंदोलन तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या आया था, प्राचीन इतिहास या कुछ में? उसमें ऋग्वेद से आया था, ऋग्वेद से आया था धार्मिक ने। तो कैसा आपको, क्या उम्मीद हो रही, कैसा लग रहा है अभी एग्जाम देके? ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक लग रहा है, मतलब होना चाहिए परीक्षाएं, एग्जाम होना चाहिए। 7 साल लग गया, इतना बाधा, तो इसमें अभी खुशी है। तो सेकंड पेपर के लिए बहुत बहुत आपको, ठीक है। नाम क्या है सर आपका? देवनारायण यादव। देवनारायण यादव जी कहाँ से आए हैं? गुमला से। गुमला जिला से आए हैं, ठीक है। तो देखिये हर एक जिले से आ रहे हैं झारखण्ड के, कैसा आपको माहौल लग रहा है, कैसा आपको खुशी है या क्या है? 7 साल बाद हो रही है, क्या बाधा हुआ, क्या हुआ? हम लोग तो नींद में सोए हुए थे अचानक आयोग जगा, रात में मैसेज आया तो लगा कि जेपीएससी होने वाला है। मतलब ऐसे करके जेपीएससी जगाया कि भाई उठ जाइए, परीक्षा होगी जी। हाँ, फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा एग्जाम। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आप लोग के लिए, जैसे अभी बातें हो रही, पता नहीं कल के दिन अगर अधिकारी में रह जाए मिलने के लिए तरसना पड़ेगा। कैसा रहा क्वेश्चन आपका, अनुरूप रहा या उससे थोड़ा अलग रहा? पैटर्न के भाई जी क्वेश्चन था, जैसे जेएसएससी सीजीए होती है, जेएसएससी भी परीक्षाएं, उनमें बहुत ज्यादा ये एक आरोप लगता है, रखता है मैम थोड़ा 2 मिनट अभी तो, कि परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस बहुत जाती है, क्या इसमें ऐसा था? ना ऐसा नहीं था, कुछ 2-3 क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं। जो पैटर्न जो है ना, उस पैटर्न को हम लोग लाइट वे में लेते हैं, तो लाइट वे लेने से होने वाला नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा डीपली में नहीं लेना है, जो है डीपली आना है। जैसे भारत के जितने भी ये पेपर था उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो? ना कुछ क्वेश्चन उस टाइप का नहीं था, जैसे कि बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जो ऊपर में था, लेकिन अंदरूनी था, अंदरूनी क्वेश्चन अंदर से दिया हुआ था, अगर याद हो तो बता। उस टाइप का नहीं था, G20 से क्वेश्चन था, है ना, G20 जो ये एनसीईआरटी का भी है चैप्टर, G20 का क्वेश्चन था, जिसका सबमिट हुआ था न्यू दिल्ली में, जो न्यू दिल्ली में सबमिट हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें जिसका मेन मोटो क्या है, वो मोटो हम लोग कभी देखते नहीं है, इसमें क्वेश्चन में दे दिया, तो उसका मोटो क्या है? मैम नाम क्या हुआ? देवव्रत कुमार मंडल। देवव्रत कुमार मंडल कहाँ से आए सर? गोड्डा से। गोड्डा, तो सर कैसा रहा क्वेश्चन, कुछ एक आध दो क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, क्या सिलेबस के अनुरूप रहा या बाहर रहा या ऐसे कुछ नहीं? सब सिलेबस से, सब सिलेबस से। क्वेश्चन नौटंकी किया? नहीं नहीं कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, एकदम सरलतम रहा, एकदम सरलतम, एकदम बढ़िया स्कोरिंग होगा इसमें, बढ़िया सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन। मैंने ऐसा क्या लगता है कि जेपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन था या उसे बहुत ही आसान हो गया? नहीं आसान तो नहीं है, जो उसके स्टैंडर्ड है जेपीएससी का वही स्टैंडर्ड का अनुरूप है, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है कि ऐसे वैसे ये सब नहीं है, उलझाया भी नहीं है, सटीक क्वेश्चन है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी आ रहे सर, थोड़ा सा सर आप लोग तो कभी कल के दिन मौका मिले ना मिले, आज मिल ले रहे। नाम क्या है वो सर? मेरा नाम कुलदीप प्रसाद है। कुलदीप प्रसाद जी कहाँ से हैं? हजारीबाग से है। हजारीबाग जिला बड़ा वनस्पति वाला जिला है जी। आप भी तरोताजा एकदम वनस्पति वाले जिले से जी। कैसा रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक था, ठीक था। कोई एक आध दो क्वेश्चन झारखंड से था क्या? झारखंड से भी। कौन सा क्वेश्चन था? झारखंड से क्वेश्चन था एक, जैसे कि आप छाव नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। छाव नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया, और जैसे प्राचीन इतिहास में जैसे भारत में किस टाइप से आया था वो, आप सिंधु घाटी मोहये सब? जहाँ सिंधु घाटी से तो क्वेश्चन नहीं था, नहीं था, किससे था फिर? आपका रामायण महाभारत से क्वेश्चन, रामायण महाभारत से ज्यादा क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था मतलब कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन, फिर वैदिक काल से क्वेश्चन आया, वैदिक काल से, मतलब रामायण अभी राममय हुआ क्वेश्चन है एकदम, मतलब यादें ताजी हो गई रामलला जी। ये आपका मध्य भारत से आया था क्वेश्चन, मध्य भारत से आया था, उसमें आपका मुगल काल से क्वेश्चन, मुगल काल से कैसा क्वेश्चन था वो सब पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन उसमें था पूरा हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर पूछा गया था। कैसा लगा 7 साल बाद परीक्षा हो रही है?
क्योंकि बीच में तो पढ़ाई छोड़ दिए थे इधर, ठीक है ना, तो अभी भी नहीं नहीं सबसे बड़ी बात है कि 7 साल बाद ऐसे मतलब अचानक जब पीएससी ऐसे ऐसे करके बोला उठ जाइए अभ्यर्थी लोग हम परीक्षा लेने के लिए अभी समर्थ हो गए, भूल गया था बहुत सारे अभ्यर्थी भी थोड़ा भूल कैसे जाएंगे, आप लोग तो बहुत सीनियर है तो फिर भी होता है ना कि अब लेगा नहीं लेगा एग्जाम, हम पहले भी दिए हुए हैं, पहले इंटरव्यू दिए हुए इंटरव्यू, इससे क्या उम्मीदें हैं, अभी तो पेपर टू बाकी है, अभी पेपर टू बाकी है, पेपर वन कैसा रहा? पेपर वन मतलब मिला जुला कर ठीक कह सकते हैं, उतना भी खराब तो नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि मतलब कि नहीं पढ़े थे, आउट ऑफ जोन तो नहीं था कह सकते हैं, कुछ आउट ऑफ जोन है तो रहता ही है, जेपीएससी के स्टैंडर्ड से बाहर तो नहीं था, नहीं नहीं था ना, चलिए हम लोग को पूरा टाइम नहीं मिला क्योंकि एक महीना का ही टाइम मिला, वो एक महीना का मतलब उठाया भी अचानक तो बोला सडनली करो, सीधा कि एग्जाम होगा, एग्जाम ही होगा, तो अपना फटाफट किताब निकाले, मतलब मुंह हाथ धोना नहीं है, डायरेक्ट उठ के चल जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद पेपर टू के लिए, आपको शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत बहुत आप भी दिए थे, हाँ मैं परीक्षा दे गया, ये भी एक अभ्यर्थी है, है तो हमसे बहुत सीनियर, लेकिन अब हम लोग भी जब करते हैं तो बातें वार्तालाप, सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल गौरव हुआ, कुणाल गौरव कहाँ से आए? सर मैं गढ़वा जिला से आया हूँ, गढ़वा जिला से आए हैं रेहला चलिए गढ़वा जिला अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध जिला है, हाँ कुछ नहीं कुछ ठीक है, सर कैसा रहा परीक्षा? परीक्षा अच्छा रहा, इधर आ जाए थोड़ा सा क्योंकि रोड है और हम किसी भी वो मॉडरेट लेवल के थे, हाँ ये बात भी कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल के थे, इसको कहेंगे थोड़ा आधुनिक टाइप से था, कहने का मतलब है कि जो लोग मॉडरेट लेवल में होता क्या है कि जो लोग सोचते या तो ऊपरी पढ़ के आएंगे या नीचे कुछ, तो वो फंसते हैं, हाँ और सबसे अच्छी बात रही कि मतलब नवंबर 2023 तक का इन लोगों ने करंट अफेयर कवर किया है, नवंबर 2023 का करंट अफेयर किया, इनसे अभ्यर्थी खुशी है, हाँ कि भाई रिसेंट पूछे हैं, रिसेंट पूछे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अच्छी बात है कि जब आप परीक्षाएं ले रहे हैं तो अभ्यर्थी को ऐसा संकोच ना हो, कोई बाधा ना है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, हो ना हो ये 2017 की, तो बच्चा एक अभ्यर्थियों में क्या होता है, एक शंका होती है लेगा कहाँ से, कुछ क्वेश्चन अगर आप हमसे साझा करने चाहते हैं तो, एक सवाल पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो औसत काल क्या था, ये पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का औसत काल क्या था, उसका एक जो एरा होता है एवरेज ड्यूरेशन क्या था, बहुत अच्छी क्वेश्चन, अच्छा है, उसका आंसर होगा 2000 से लेके 1350 ईस्वी के बीच में, 2000 से मैं मेक 2000 से लेके 1350 तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस तरह की परीक्षाएं, और क्या लगता है आपको जेपीएससी जो परीक्षा है बैकलॉग की परीक्षा 7 साल बाद ले रही है, तो आप इस पे क्या कहेंगे, पहले होना चाहिए था जल्दी? सर हम लोगों में खुशी की बात है कि परीक्षा शुरू कर दिया है, ले लिया जी, ये खुशी की बात है, और मुझे महज एक हफ्ता पहले पता चला था कि परीक्षा होने वाली है, हमको पता ही नहीं था, एक सप्ताह पहले पता चला है श्रीमान जी को होने वाली है, फिर भी जजमान अच्छा ही गया, परीक्षा तो अच्छा गया, अच्छा गया ना, और वैसे भी हम तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के एम्प्लॉई हैं, परीक्षा ये झारखंड मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के खुद एक एम्प्लॉई हैं, तो अगर कोई ना सोचे कि सीट खा रहे हैं, क्योंकि सभी को अपना हुनर और अपना टैलेंट दिखाने का ही है, वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट ना पास करे, क्योंकि इनका ये अधिकार है, चाहे वो फ्रेश हो या चाहे वो अधिकारी पे हो, तो किस डिपार्टमेंट में? सर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड केन डेवलपमेंट के तहत मैं VLW हुआ सर, VLW कौन से ब्लॉक के? मेराल ब्लॉक गढ़वा जिला, मेराल ब्लॉक सुने हैं, हमारे बहुत साथी हैं उधर, तो हमको पता चला तो बस रातों रात हम रेस्टोरेंट पकड़ के आए हैं, चलिए सर ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी अभिलाषा है, मैसेज है कि आप लोग रहते हुए भी नहीं छोड़ते हैं कि हमें देना है, क्योंकि हर एक को शिखर में पहुँचने का अधिकार है, तो जो जो भी JSSC वाले हैं इन क्वेश्चन के पैटर्नों पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं शॉर्ट में? JPSC ने पैटर्न बहुत अच्छा रखा है, मॉडरेट है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि करंट अफेयर से हम जुड़े हुए थे, और नवंबर 2023 तक का पूछा है, बहुत पीछे का पूछा होता जैसे 2017 का विज्ञापन था तब तो बड़ी परेशानी हुई, बड़ी परेशानी होती, बात सही है, तो ये मुझे अच्छा लगा और प्रश्न अच्छे आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम नाम बताएं? श्रेया। श्रेया जी कहाँ से आए हमें? हजारीबाग, हजारीबाग वनस्पति वाला जिला कैसा रहा एग्जाम?
पेपर टफ था, क्वेश्चंस कोई भी डायरेक्ट नहीं, कोई बोला कि मॉडरेट था, और ऐसा था कि मतलब आप सिंपल क्वेश्चन जो नई करंट अफेयर से जुड़े हुए वो नहीं बना पाते इसको, मेरा तो हेल्प हो गया। जैसे एक अभी थे अभ्यर्थी, वो बोले कि 2023 नवंबर 2023 से आया है, अगर 23 तक आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हुए, जैसे मैंने माइंड प्लान से पढ़ा था तो मेरा तो कम्प्लीट हुआ है पेपर। कहाँ से आप पढ़े हुए थे? मैं माइंड प्लान, एक नोट्स आता है माइंड प्लान से, वहाँ से मैच किया। हाँ, क्वेश्चन मैच किया माइंड प्लान। हाँ, माइंड प्लान एक नोट्स आता है, एक नोट्स आता है माइंड प्लान, वहाँ से पढ़े तो वहाँ से क्वेश्चन टच किया। और ये है कि जेपीएससी जैसे बहुत लोग इजी सोच रहे थे, बहुत दिन बहुत पुराना पेपर हो रहा है तो पुराने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आप लोग खुश है? खुश है क्या, मतलब रिसेंट क्वेश्चन थे, हमने को लगा था कि पीछे के आएंगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि ये होता है ना कि 7 ईयर्स के बाद में बातें कर दी जाती हैं कि नहीं पुराना है। हाँ, ये सब जो धारणा है ना, अफवाहों से दूर। एक डर था कि 7 ईयर्स पुराने क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहेंगे अगर आपको करंट अफेयर में? जैसे 2023 का बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी जो पर्यावरण कमेटी हुई थी जिसमें मिस्टी और आम वाला जो क्वेश्चन था, आम वाला G20 से भी आया था, G20 से क्वेश्चन था, G20 का क्या लोगो है वो था। मतलब आप रिसेंट क्वेश्चन देखेंगे तो करंट अफेयर्स की सारे थे, अगर कोई अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े हुए तो उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जो मतलब अभी भी पढ़े हुए तो उनका तो ये तो आज ही है ना। और तो अभी दैट मीन्स अभी जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर है, क्योंकि 7 ईयर्स पुराना तो बहुत लोग की शादी हो गई होगी, बहुत जॉब कर रहे होंगे तो लोग आ गए होंगे, तो 3 साल की तो छूट मिली है इस बार के 11 जेपीएससी में। 7 ईयर्स नहीं, ये बैकलॉग है ना, ये तो बैकलॉग है, लेकिन 11 और 12 के लिए 3 साल की मिली है छूट। तो पुराने बच्चे जो आए होंगे वो सोचेंगे पुराना क्वेश्चन आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो तैयारी कर रहे हैं उनके उनको बहुत हेल्प, जो आगे जो भविष्य में कर रहे हैं जेपीएससी के लिए तैयारी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि क्वेश्चन का पैटर्न है वो मॉडरेट है, बिल्कुल एकदम मॉडरेट है। और करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर को जोरदार। जैसे हम लोग पहले सोचते थे 27 क्वेश्चंस हिस्ट्री के रट के चले जाएंगे, हिस्ट्री के वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आए, हिस्ट्री के क्वेश्चन आए भी है वो भी मॉडरेट लेवल के आए हैं, तो आप नहीं कह सकते कि आप पुराने लेवल बैठ सकते हैं। जैसे 20 जैसे बहुत लोग होते हैं ना, 27 हिस्ट्री का पढ़ लिया, इतना पॉलिटी का पढ़ लिया, तो वैसा कुछ नहीं पैटर्न इन्होंने पकड़ा। इन्होंने ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन दिए, इन्होंने हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, और मतलब आप क्वांटिटी में नहीं जाइए, पहले वाला पैटर्न बिल्कुल हट गया। ऑनलाइन पैकेज वाला कोई मददगार साबित हुए? ऑनलाइन पैकेज में तो बस मैं बताई ना, मैं माइंड प्लान से ही पढ़ी थी। माइंड प्लान से आप पढ़े तो और कहीं से नहीं? नहीं, मैं और किसी से नहीं पढ़ी थी, तो माइंड प्लान से बहुत ज्यादा था। और ऑनलाइन आप यूट्यूब से पढ़िए ना, पेपर अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर तो आप बहुत हेल्प होगा। तो ये जो पैकेज आती है कि ₹1,000 ऑफर, उनसे कोई फायदा पहुंचता है उनसे? रिसेंटली मैं तो नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती, मैं नहीं पढ़ती, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ी हूँ। मैंने बेसिक बुक पढ़ा था जेपीएससी के लिए, और इसको तो करंट अफेयर्स पढ़ा है। जो कर रहे हैं तैयारी उनके लिए बस दो सब कहिए कि क्या करें, कैसे अपना माइंड प्लान, जो आप बोले माइंड प्लान से पढ़े तो वो कैसे तैयारी, क्या इन पैकेजों के चक्कर में रहें या वो अपना खुद का एक पैटर्न। आप देखो जेपीएससी के लिए तो कोई खास बुक आपको मार्केट में मिलेगी नहीं जो करंट अपडेटेड हो। माइंड प्लान एक बेनिफिट कर देता है कि वो करंट अपडेट दे देता है आपको, वो पैकेज वैकेज नहीं देते, आपको नोट्स प्रोवाइड करती है, वो अपडेट कर देता है साल भर ऐप में, तो आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा, आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप करंट से रेगुलर हैं तो फिर एग्जाम अब मुश्किल नहीं होगा, आप खुद से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर एक मीडियम हो सकता है, न्यूज़पेपर में रहिए, क्या हो रहा है आसपास उस सब में रहिए। बेसिकली आज का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो रिसेंट में हो रहा है ना, हाल फिलहाल में ऋग्वेद से क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्ट नहीं था ना, ऋग्वेद क्वेश्चन में भी पूछ दिया कि शाक्य, और ये मैंने माइंड प्लान में पढ़ा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा पहला पेपर, क्योंकि मैंने इसे सिंधु घाटी का अवधि क्या है ना, मैंने लूसेंट में देखा था ना, मैंने किसी में देखा था, लेकिन मैंने उसमें देखा था, तो ठीक है पेपर अच्छा था, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, चलिए आपका पेपर के लिए बहुत शुभकामनाएं, सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर अच्छा जाए, एकदम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थोड़ी सी सर 2 मिनट के लिए रिव्यू दो एमजेड क्लासेस, हम लोग सिर्फ रिव्यू ही लेते हैं क्लासेस। रिव्यू में क्या लोगे, पूछ रहे पहले क्वेश्चन बता दो। नहीं आप ही बताइए कैसा रहा, बस वही अभी तो फर्स्ट पेपर हुआ है। नहीं अपना नहीं, बस हम लोग रिव्यू लेते हैं, देखते हैं वैसा कोई प्रमोशन। चलो ठीक है बोलो, क्या नाम हुआ सर? कपिल देव ठाकुर। कहाँ से हैं सर? बोकारो से। बोकारो स्टील सिटी या झारखंड का सबसे पहला कैसा रहा सर परीक्षा? 7 साल बाद ले रही है, क्या अनुभव हुआ? अनुभव है पहले से आप कहीं पोस्टिंग है क्या? हाँ है, ऐसे लग रहे हैं दिखने में। हाँ है, पीजीटी टीचर हूँ। पीजीटी टीचर है फिलहाल, अभी भी बड़ी पीजीटी टीचर वहाँ को बहुत ये आंदोलन करना पड़ गया। नहीं उसके बारे में तो नहीं कह सकते लेकिन हम अभी पीजीटी टीचर हैं। कब से पोस्टिंग है? नया
2010 से आया हूँ। 2010 से। अच्छा चलिए, वो तो आपकी अपनी है ना। अभी जो आप 7 साल बाद हुई परीक्षा, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसी लगी? चलिए ठीक है, अब जिस तरह की स्थिति चल रही है। हाँ, वो अचानक जब पीएससी उठाया, उठो भाई अभी अभ्यर्थी, डायरेक्ट मेल मैसेज आया कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो एग्जाम, फिर भी चलो ठीक है। अच्छा आप पीजीटी में ऑलरेडी पोस्टिंग है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट में है, जो भी है आप झारखंड के विकास में सहयोग कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ी जेपीएससी में? हर कोई को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखता है। हाँ, बेटर अपॉर्चुनिटी दिखता है। मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, मैं बताता हूँ कि विकास अगर कर रहा है तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, मतलब विकास का पैरामीटर बेटर अपॉर्चुनिटी की ओर है, तो हमें भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक एज ए अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में। तो अभी तो हम एज ए कर्मचारी के रूप में, टीचर के रूप में कर ही रहे हैं सेवा, अधिकारी के रूप में मिलेगा तो बेटर करेंगे। जो अपना ये क्या बोलते हैं, योग्यता है, उसको कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, कभी जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ भी मिले उसमें सेवा देना चाहिए। इसीलिए हम आप कह रहे थे कि हम लोग का चैनल नहीं है कि हमारे एक पेपर का रिव्यू लेते हैं, अगर कोई 10 भी देख पाता है तो हमें खुशी होती है कि वो कम से कम कुछ ना बोले, देख के सीखे तो आपसे, जैसे आप अभी आए तो ये सीखने की चीजें हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन, कैसा रहा क्वेश्चन? ठीक है, मोर एंड लेस अब चूंकि पीसीएस का क्वेश्चन है, तो पीसीएस का लेवल का क्वेश्चन है, कहा गया मॉडरेट है। हाँ, अच्छा मॉडरेट है, सही बात है, मॉडरेट होना भी चाहिए, क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा जेपीएससी। पैटर्न थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, और जिस तरह से टफ अब हो गया है, क्राउड है एक तरह से गई है, मतलब एग्जामिनी की संख्या अधिक है, आयोग तो चाहेगा ही ना कि फर्स्ट में ही हम कैसे उसको छांटे। दो चार क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों? अब अभी बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के रहा हूं तो आर्थिक विकास से संबंधित रहा है, बढ़िया है क्वेश्चन। आर्थिक विकास किस तरह क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन वो एक तरह से डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो फैक्चुअल है, थोड़ी आसानी। हाँ, फैक्चुअल है तो मैंने किया। चलिए सर, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो यही थी हमारे बीच में, और तो अभी कोई नहीं है, देखते हैं अगर कोई यथासंभव अगर कोई राजी होते हैं तो दे सकते हैं। सर दो मिनट, क्या नाम हुआ सर? कर्मूराम। कर्मूराम, हाँ, पहले भी आपको लगता है हम देखें, देखे होंगे जेपीएससी का शायद आंदोलन में देखे। हाँ, जेपीएससी का आंदोलन में, जेएससी का आंदोलन, जेएससी का आंदोलन में आप भी हमें देखे होंगे लगता है। सब बहुत पुराना रिश्ता रहा हम लोग का आंदोलन से, तो ये आंदोलन का परिणाम है कि यथाशीघ्र जेपीसी भी करने पे मजबूर हुआ और किया। हाँ। तो 7 साल बाद परीक्षा हो रही, आपके मन में क्या, आप कैसा लगा? देखिए, ये बेड़ामना है कि 7 साल बाद हो रहा है, ये तो 1-2 साल में, ये 17 का 18 का वैकेंसी है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, खूब से खूब ये कोरोना बाद 21 में हो जाना चाहिए, 21 में हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए आप 24 आ गया, तो ये बेड़ामना है कि 7-8 साल बाद 11वीं 12वीं बोला गया 3 साल का छूट दे रहे, बढ़िया है, 5 साल का मिलना चाहिए, 5 साल का मिलना चाहिए। क्वेश्चन कैसा रहा प्रश्न? क्वेश्चन का प्रारूप से कैसा? नहीं, ठीक था, मतलब मॉडरेट, मॉडरेट सब कोई बोल रहा है, मॉडरेट इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे, हाँ। ये सब जो जेपीसी लेवल का जो क्वेश्चन होना चाहिए ना है, देखिए कहीं कहीं जब आयोग सही हो ना, थोड़ा सा हम भी बैठ लेते हैं, नहीं तो बैठे बैठे ऐसा लगता है ना हम भी एकदम ये, ठीक है बैठ कहीं है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि जब आयोग कुछ अच्छा काम करे तो तारीफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम रोज रोज उसी के खिलाफ। क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है, तो अब आयोग सब खुश है कि क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, जैसे झारखंड के रिलेटेड अगर बोला कि झारखंड का क्वेश्चन तो ठीक था, बहुत अच्छा था, वो एक क्वेश्चन जैसे हो का हो भाषा छव निरित का आया था, छव निरित का आया था। हाँ। जो सरायकेला में है वो आया था, फिर हो का जो लिपि जो हुआ था वो। हाँ। फिर जो G20 सम्मेलन था। हाँ, उसका, दिल्ली में। हाँ, उसका कब निर्माण हुआ था, उसका चीन क्या था, ऐसे भी कुछ नहीं, उसका मतलब उसका स्लोगन क्या था, स्लोगन, राइट राइट सिंबल, और उसके बाद फिर ये था कि सिक्किम को कब कौन सा संविधान संशोधन के तहत उसको राज्य का दर्जा दिया। अच्छा, गया। अच्छा, सिक्किम को कौन संविधान के किस अनुच्छेद या संशोधन के तहत राज का दर्जा मिला, ये आप लोग ठीक है। तो जो अभी लगे हुए जेपीएससी 11वीं के लिए 12वीं के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना बोलेंगे? थोड़ा डीप पढ़ लीजिए, डीप पढ़ लीजिए, हवा में नहीं, हवा में। अच्छा, आप एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, हमें जिनसे गुस्सा नहीं लगता है पर हम बोलते हैं, ये जो आजकल पैकेज का आंधी चलता है कि मकर संक्रांति का पैकेज, 26 जनवरी का पैकेज, 999, क्या उनसे कुछ मददगार हासिल होता है? नहीं, ये सब हवा में चल जाएगा, हवा में चल जाएगा। बड़े बड़े जो है
उनका देखिए जानते हैं हम नाम लेके तो कोई फायदा है नहीं, नहीं हम जो आज देखे जो पैटर्न देखे उससे यही लगा कि जो पहले का जो था ना सिंपल सिंपल जो पूछ रहा था अब वो नहीं रहा। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। समय के साथ जेपीएससी बदला है। ये आंदोलनों को देखते हुए लगा कि अब हमें जो जो उनके अधिकारियों में जो योग्यता टैलेंट है उसने वो दिखाया। हाँ तो ये जो पैकेजों के चक्कर में ना जाए, जितना हो सके खुद को बनाए, खुद पढ़े अच्छा से, करंट अफेयर फिर कैसे पढ़ेंगे। ये पूरा आकलन जो है तब लगाया जाएगा जब दोनों पेपर, जब जो झारखंड का होगा उसका जो है दोनों मिला के ही बेहतर आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक का आकलन से जो पेपर फर्स्ट में जो होना चाहिए वो बढ़िया है। क्वेश्चन यही लेवल का होना चाहिए कि थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए, थोड़ा डीप होना चाहिए। तो ठीक है, झारखंड का क्वेश्चन जो हम लोग झारखंड तो काफ़ी पढ़े हैं तो झारखंड तो हम लोग को ठीक लगा। लेकिन जैसे जीएस का क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट में भी अच्छा था और थोड़ा डीप भी घुसाया, तो क्वेश्चन पैटर्न साइंस भी रहता है क्या? हाँ साइंस में कैसा क्वेश्चन? नहीं साइंस का भी ठीक था, वो ज़्यादा डीप नहीं था। कैसा था? एकाक 11-12 कुछ मीडियम। हाँ जैसे वोल्ट से किसको मापते हैं। अच्छा वोल्ट को किससे मापते हैं? और उसके बाद थी 10-12 दोनों बस वही है। फिर कार्डियोग्राफी में किसका चेकअप होता है, मतलब 10-12 लेवल का स्टैंडर्ड था। हाँ। अगर कोई 8-12 तक पढ़ता है दैट्स बेटर होगा, बहुत अच्छा। अगर साइंस में साइंस में जीएस में अगर पढ़ रहे हैं जीएस में आपको डीप घुसना होगा। हाँ। जीएस में डीप था, झारखंड ठीक था, ठीक ओवरऑल हम बोलेंगे कुल मिला के यही है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। आप भी जेपीएससी जिंदाबाद। हाँ, है बस यही जेपीएससी को बोलेंगे ना, ये जो आप 8 साल जो लगाते हैं ना अब मत लगाइए। ये एक एक दो दो साल में ले लीजिए, जैसे अभी जनवरी में लास्ट या फरवरी में आने वाला है जेपीएससी, आने वाला है ना। यही जेपीएससी को अगर कह देगा कि 2030 में लेगा तो कितना दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अगर सरकार भी चुनाव अगर घोषित कर देगी तो फिर अभी क्या करेगा? जो भी हो, लेकिन जैसे अगर 23 में निकाल रहा है ना वो, तो 24 में आप कंप्लीट कर दीजिए एकदम से। फिर 24 में आप नया निकालिए, अरे आप 100-200 को ही सीट निकालिए। हाँ, लेकिन रेगुलर बना रही है, कहा जाता है ना बूंद बूंद से ही। हाँ कमी निकालिए लेकिन नियमता निकालिए। हाँ मतलब अभी आप खुश है, अभी आंदोलन की जरूरत नहीं है, आंदोलन का जरूरत नहीं। सरकार जिस तरह से अभी एक्शन मोड में लग रहा है, जैसे कि अभी 28 तारीख को जैसे जेएससी का एग्जाम सचिवालय आज उसका एडमिट कार्ड का पता नहीं लिंक दिया होगा ना, अगर हो जाए 28 तारीख को और 4 तारीख को अगर हो जाए तो बेटर, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जो जनवरी या फरवरी में आज जो जेपीएससी का आने वाला है उसका रेगुलर हो जाए। अब बाकी आज एडमिट कार्ड का डेट है। हाँ आज है, अरे फिर 28 जिसका 4 को है उसको, तो ये रेगुलर एग्जाम हो जाए तो सरकार से हम लोग खुश रहेंगे और होना भी चाहिए। क्या है कि देखिए छात्र लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बताइए 17 का वैकेंसी आज जो देने आए हैं, कितना लोग तो फॉर्म भर के भुला गया है कि बाल बच्चा के साथ आया होगा। हाँ नहीं भुला गया, मतलब समझ लीजिए कि उस समय 17 में जो नंबर चेंज कर दिया है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बहुत मुश्किल है, जो ईमेल आईडी चेंज कर दिया है। अब जो बहुत लोग ऐसा मेरा दोस्त यार लोग है जो बोल रहा है कि भरे हैं कि नहीं भरे हमको पता नहीं है, और फिर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हो हम तो ईमेल आईडी चेंज कर दिए, पहले वाला ईमेल आईडी दूसरा था, तो उसमें तो दिक्कत हो रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट फिर भी लगभग हमको लगता है 70-80% स्टूडेंट आया, जिस हिसाब से 3400 अभ्यर्थी थे क्या? हाँ 3400-3500 के आसपास तो 2500 होगा। हाँ तो हम देखे नहीं 70-80% जो है ना है कैंडिडेट है, ऐसा नहीं पूरा खाली खाली नहीं था, कैंडिडेट पेज था। तो बस यही कहेंगे सरकार से, एकदम रिक्वेस्ट रहेगा, एकदम भारी रिक्वेस्ट रहेगा कि सरकार आप बस इसी तरह एग्जाम जो है ना समय पर करवा दीजिए। 7-8 साल जो है ना मत घुमाइए, क्योंकि अगर छात्र का किसी में नहीं होगा तो छात्र दूसरा कुछ करेगा अपना। जैसे सरकार का जैसे सरकार कहता है कि आप इनोवेशन कीजिए, चाहे मुर्गी चराइए, बकरी चराइए, कुछ भी चराइए, तो एग्जाम हम दे देंगे, ठीक ना। अब एग्जाम को हम देखेंगे, निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो हम देखेंगे जो है उसमें करेंगे, जो करना होगा करेंगे, छगरी बकरू जो चराना होगा करेंगे, क्योंकि आपसे हम संतुष्ट हैं। हाँ, आप कर हाँ, बस आपका जो काम है वो आप कर दिए, हम लोग का जो काम है वो हम लोग अपना करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इतना सारा समय लिए, ठीक है। ठीक तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सीजीएल के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कैसे ये इसी स्टैंडर्ड में अगर कुछ एक मिनट के लिए? सीजीएल को यही कहेंगे ना, बस निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो जाए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा नहीं रहेगा ये तो आयोग और ये डिसाइड करेगा, लेकिन स्वच्छ तरीके से हो जाए। जैसे आज का हम सिस्टम जैसे देखे कि
कुछ नहीं ले जाना है, जैसे यहाँ पे व्यवस्था काफी अच्छा था, जैसे कि आप घुस रहे हैं तो हाँ, महिलाओं को भी ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पे कान का पानी हाँ, चूड़ी पूड़ी कुछ नहीं पहने थे, खुद अंगूठी पहने थे, मेरा अंगूठी भी खुलवा लिया, समझे ना। एक चीज हम बोल रहे हैं कि सुरक्षा का इंतजाम बहुत कड़ा था, महिलाओं को भी चूड़ी बाली कान नाक कुछ नहीं ले जाना था, और पुरुषों के साथ अगर ब्रासलेट ये सब, वो सब, सब, सब खुलवा दिया था, ये सुरक्षा के इवन चाबी चाबी भी नहीं ले जा सकते हैं, बाइक की कोई की नहीं, सिक्का भी नहीं ले जा सकते हैं, कुछ नहीं, तो बेल्ट भी नहीं, बेल्ट भी नहीं, तो ये ढीला हुआ आप समझिए। हाँ, ये काफी अच्छा व्यवस्था था, काफी तंदुरुस्त, तो ऐसा ही सीजीएल में भी जो है ना निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो जाए, बस अभ्यर्थी अगर ऐसा हो तो एकदम खुश रहेगा। धन्यवाद, चलिए।